अपने अमान और खुशी के साथ मुकम्मल करने की तौफीक अता फरमाए। हमें इनकी बेचैनी से इंतजार था और सारी शख्सियतें इस एक जला जला आपको हैं भाई, आप तो दरमियान में लोग खड़े हुए हैं, बराए करम पीछे की तरफ बढ़ जाए, गैदरिंग ना करें बीच में से। मैं बड़े अदब से जॉइंट सेक्रेटरी साहब सत्यनारायण चौधरी साहब का भी इस्तकबाल करता हूँ, एडिशनल सेफ्टी सेंट्रल रीजन के अनिल सारस का साहब का भी इस्तकबाल करता हूँ। और एडिशनल सेफ्टी आज 9/9/2024 ऑल इंडिया खिलाफत हाउस की तरफ से 100 साल से जो यहाँ से जुलूस का एहतमाम किया जाता है, मीटिंग की जाती, आज डिक्लेयर हो गया है 18/9/2024 को जुलूस निकलेगा इंशाल्लाह। कुछ लोग जो है जो के खिलाफ हो रहे हैं 18 तारीख के, 18 तारीख के खिलाफ क्यों है आप लोग, शॉर्ट शॉर्ट में बोलिए भाई। 18 तारीख के खिलाफ हम लोग इसलिए थे कि हम लोग 19 तारीख के दिन हम लोगों को वहाँ पे वाशी मार्केट बंद है, फ्रूट हमारी गाड़ी 3 गाड़ी रहती है फ्रूट मार्केट की, बाइकला फ्रूट मार्केट, बाइकला स्टेशन रेलवे स्टेशन, बाइकला अपनी चेम्बरलेन गली, ये तीनों गाड़ी जब निकलती है तो इसमें फ्रूट लगता है और वो फ्रूट जो है हमको वाशी से अवेलेबल नहीं है, हमको गाड़ी अवेलेबल नहीं है, ट्रक अवेलेबल नहीं है, फिर हम लोगों को जो भोंगा मिलता है वो अवेलेबल नहीं है, लाइटिंग का सामान अवेलेबल नहीं है। तो हमने आके सनफराज आरजू साहब से रिक्वेस्ट किया था लेकिन वो सुनने के मूड में नहीं है, वो बोलते कि हमने डिसाइड कर दिया वो फाइनल है। तो आप लोग 18 तारीख को गाड़ी नहीं निकालोगे ट्रक? नहीं, अभी जैसा उनका बड़ोगा है जैसा देखेंगे व्यवस्थित, हम लोग को अगर फैसिलिटी नहीं मिली तो हम लोग पैदल जाएंगे। गाड़ी नहीं मिलेगी तो निकालेंगे कैसे, ना जनरेटर मिल रहा है ना कुछ मिल रहा है। आप लोग कितनी तारीख को बोल रहे हैं? 19 तारीख। हम लोग ने इसके अंदर नागपाड़ा मदनपुरा बाइकल्ला हंसरो हर एरिया के बंदे लोग इसके अंदर है, यहाँ पे थोपा जा रहा है कि खाली मदनपुरे वाले को तकलीफ है क्या, या मदनपुरे वाले को नहीं है, बाइकल्ला वाले सिस्टम ऐसा है कि हम लोग को अवेलेबल मीटिंग का मामला है कि मीटिंग इसलिए रखी जाती है कि हम एक दूसरे से राय ले, वहाँ हमको राय भी नहीं देनी पड़ी, वो लोग ने तारीख डिक्लेयर कर दिया और हम पे एकदम एक 18 तारीख मुसल्लत कर दिया। हम यही चाहते थे कि एक दिन का और गैप मिले ताकि पुलिस भी आराम से करे और हमको भी आराम मिले। और जो इससे पहले जो ये मीटिंग हुई मुंबई का कोई भी नहीं था उसमें, ना भाईकल्ले का था जहाँ से जुलूस स्टार्ट होता है भाईकल्ले से, वहाँ के आप लोग कोई भी नहीं थे। कितने बजे से यहाँ आके बैठे हो? यहाँ तो हम लोग 4 बजे से 5 बजे से आके बैठे और अभी तक के हमारे को कोई बोलने का मौका नहीं दिया। अंदर जो जो भी ड्रग्स के ऑन रिकॉर्ड क्रिमिनल है उनके खिलाफ कार्रवाई किया गया है, मोटी संख्या में हमने ड्रग्स के जो सप्लायर हैं बाहर जिनके मुंबई शहर में सप्लाई होती है वहाँ बाहर सिटी से बाहर जाके हमने कार्रवाई की है और करोड़ों की ड्रग्स हमने सीज किया है। उसके साथ साथ हमने जितने भी ऑन रिकॉर्ड क्रिमिनल उनके ऊपर प्रिवेंटिव एक्शन लिया है, जो इलीगल पान टपरी बीएमसी की मदद से हमने डिमोलिश किया है क्योंकि वहाँ पर ड्रग्स की कंप्लेंट आई थी, उसकी वजह से वहाँ भी कार्रवाई हुई है। जो जो प्रतिष्ठित नागरिक है यहाँ पर उनसे हमने अपील किया है कि जहाँ भी ड्रग्स की चीज़ें कहीं जानकारी मिलती है तो पुलिस को इतला करें, पुलिस उसमें कठोर कार्रवाई करेगी और जो तरुण मंडली है उसको भी अवेयर करें ड्रग्स के जो नेगेटिव इम्पैक्ट है उसके बारे में, ताकि लोगों को ज्यादा से अवेयर किया जा सके। सर, लोगों को जो लास्ट टाइम इश्यूज आए थे उसके लिए मुंबई पुलिस जो इस टाइप पे क्या अलग से स्टेप ले रही है और क्या तैयारी कर रही है? किसी भी धार्मिक सन में कोई तकलीफ नहीं हो, आयोजक और नागरिकों को पूरी सुविधा मिले उसके हिसाब से मुंबई पुलिस पुलिस स्टेशन लेवल पे आयोजकों की मीटिंग लेंगी, मीटिंग लेने के बाद जो जो इश्यू उनको एड्रेस किया जाएगा उसके साथ साथ अच्छा डिप्लॉयमेंट किया जाएगा और पूरा हम सिक्योरिटी मेजर्स लेके लोगों के साथ मिलके काम करेंगे। आई एम श्योर कि हम अच्छे से इस बंदोबस्त करेंगे। सर, इस बात में कितनी सच्चाई है, इस बात में कितनी सच्चाई है कि मुंबई पुलिस द्वारा प्रेशर किया जाता है कि आप लोग जुलूस का टाइमिंग चेंज क्या करें, इस बात का सोल्यूशन देंगे सर? कि हाँ, आयोजक लोग हैं उन्होंने अच्छे से सब चीजें बताई हैं आपको। मेरे को लगता है कि त्यौहार का है सीजन है और इसमें त्यौहार में लोगों को हर्षोल्लास से मनाना चाहिए, उसके लिए जो जो मदद लगेगी। वो ऑलरेडी पिछली साल हुआ है और अब की बार आयोजक लोगों ने रिक्वेस्ट किया है, गवर्नमेंट की तरफ से डिसीजन होने वाला है। आप यहाँ पर ड्रग्स फ्री मुंबई और दूसरा था अपने जो तरुण भाई हैं उनको अच्छी एजुकेशन तालीम के बारे में अच्छी आप वर्कशॉप या कुछ क्लासेज ऑर्गेनाइज करेंगे और उसमें मेरे को बुलाएंगे, वो रिक्वेस्ट मेरे पास आज तक एक साल से नहीं था।
तो सरकार राजू जी आपने अच्छे अच्छे काम किए हैं, इस आने वाले साल में ये कमिटमेंट भी आप अपना पूरा करेंगे तो हमें अच्छा लगेगा। फेमस सोशल वर्कर भावी नगर सेवक अमीन पारेख जी, आज आप क्या कहेंगे 18-19 तारीख का जो मामला चल रहा है, 18 तारीख पे जो मोहर लग गई है? 18 तारीख की मोहर लग गई है और आज काफी लोग यहाँ अपोज में भी आए थे 19 के लिए, लेकिन हम भी, हमारे लॉ एंड ऑर्डर साहब ने आश्वासन दिया है कि उनका जो इशू था कि जो दिन क्या बोलते हैं रैली जुलूस निकलता है उसके रात में लोग परमिशन नहीं देते, लेकिन उन्होंने आप वादा किया है कि हम परमिशन देंगे आपको स्टेज लगाने की और डेकोरेशन करने की, तो मैं समझता हूँ उसमें कोई इशू नहीं होना चाहिए। सही है, हमारे साथ है बड़ा कब्रिस्तान के ट्रस्टी और जामा मस्जिद चेयरमैन शोएब खतीब जी, आप क्या कहेंगे अब जो ईद मिलाद की 18 तारीख कंफर्म की गई? देखिए, सबसे पहले तो आपके चैनल के माध्यम से और आपको भी बहुत बहुत मुबारकबाद इस बाबरकत महीने की, और अल्लाह के फजलो करम से मुसलमानों ने हमेशा से अपनी यकजहती का मिसाल दी है। पिछले साल भी जो है गणपति साथ में आई थी तो उसकी भी बेहतरीन एक मिसाल दी गई थी कि हमने जो है हमारे जुलूस के डेट को आगे किया। इस मरतबा भी इसी चीज़ को लेकर काफ़ी बहस होने के बाद और बातें होने के बाद में उलमा इकराम ने इस चीज़ को तय किया कि 18 तारीख को की जाए, लेकिन उसके आमद जो अलहमदुल्ला 16 तारीख को है, तो मेरी आप लोगों से दरख्वास्त है, गुजारिश है 16 तारीख को मस्जिदों, खास करके जो हमारे बिरादर है वतन है उनको हमारे घर पे दावत दे, उनको मस्जिदों में बुलाए, उनसे बातचीत करे कि हमारा पैगाम क्या है, क्योंकि अगर आप अपने मजहब को एक सही मैसेज देकर भेजते हो तो वही ईद मिलादुल नबी का सही पैगाम है। दूसरी बात, वारिस भाई ने दो तीन बात रखी है, मैं उसको दोहराना नहीं चाहता हूं, मगर वो सब बातें जो पुलिस को लेकर के है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत जरूरी है। मैं जानता हूं कि गणपति का माहौल है, पुलिस बहुत ज्यादा बिजी है, मगर ईद मिलादुल नबी को लेकर के आप अपने पुलिस स्टेशन में 4-5 पुलिस स्टेशन लगते हैं, एक एक ऑफिसर डेजिग्नेट कर दीजिए। अगर आपने एक ऑफिसर डेजिग्नेट कर दिया है तो जिसको परमिशन का प्रॉब्लम है, आज मैं अभी इस पर बीएमसी जो हमारी है अस्पताल है मैडम, उसके साथ बी और ई वार्ड की फिर एक बार तीसरी मीटिंग, दो मीटिंग सरकार राजू साहब के अंदर में तीसरी मीटिंग करके आया हूँ कि बीएमसी अपने नोडल ऑफिसर अपॉइंट करिए। आप भी अगर एक एक पुलिस स्टेशन में एक एक नोडल ऑफिसर अपॉइंट कर देंगे तो बहुत सारी बातें उस ऑफिसर तक ही खत्म हो जाएगी, वो सीनियर इंस्पेक्टर एसीपी डीसीपी एडिशनल ज्वाइंट डीपी तक नहीं पहुंचेगी, क्योंकि छोटी रिक्वायरमेंट है। जो डीजे में पैसा लगा रहे हैं वो पैसा उधर लगाएं, ये मेरी मिसाल। आप सभी को ईद मिलाद की बहुत बहुत शुभकामनाएं, एक बार फिर अपना कमिटमेंट बताता हूँ। पहले थर्ड टर्म मोहतरम जनाब अमीन पटेल साहब, इनके साथ में मिलकर हर साल हम लोग इसी तरह यहाँ पे जमा होते हैं, जुलूस के ताल्लुक से क्या क्या प्रिकॉशन ले रहे हैं, क्या करना है, उस ताल्लुक से बात होती है। आज इसीलिए मीटिंग हुई है, दो दिन पहले भी एक मीटिंग रखी थी जहां पर उलेमा इकराम ने तमाम ने मिलकर डिसीजन लिया कि क्योंकि गणेश विसर्जन भी साथ में है, ईद मिलाद भी साथ में है, तो लिहाजा उलेमाओं ने ये डिसीजन लिया कि हम ईद मिलाद का जो जुलूस निकलता है मुंबई और तमाम इख्तलाफ इलाकों में वो 18 तारीख को करेंगे। शान में निकाले जाने वाला ही जश्न इदारे मिलादुन नबी का जुलूस, जो हमारा खिलाफत कमेटी का, ये हमारे लिए नहीं पूरे बंबई के लिए शान है। और हमारा जो मुतालबा है वो ये है कि ईद मिलादुन नबी के जुलूस की तैयारी के सिलसिले में जितनी भी ऑर्गेनाइजेशंस एक्टिव हैं उन तमाम की तकलीफों को जो है मद्देनजर रखते हुए उनको इतना टाइम दिया जाए कि वो अपने स्टेज बना सकें, अपने यहाँ बैनर्स लगा सकें और अपने जिस किस्म के भी अनाउंसमेंट उनको करना है वो कर सकें। ये हुई एक बात। दूसरी बात ये थी, मेरे दिल में लाई गई कि पिछले साल जो है देखिए, जैसे कि आप देख रहे थे ये काफी लोगों में ऐसा था कि 18 तारीख 19 तारीख, लेकिन हमारे साथ में ऑल इंडिया खिलाफत हाउस के चेयरमैन हिंदुस्तान पेपर के जो चीफ एडिटर सरफराज आरजू जी, आज 18 तारीख पे मोहर लग गई है, कुछ लोग 19 बोल रहे थे लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह आज 18 का ऐलान हो गया है।
इस पे आप क्या कहना चाहेंगे? 18 का ऐलान तो कल ही हो गया था, आज तो पुलिस वालों के सामने और पूरे एडमिनिस्ट्रेशन के सामने भी जो है वो बात दोहराई गई है सिर्फ। और 18 और 19 का मसला तो इतनी आसानी से हल हो गया था कि कल की मीटिंग में जो है मौलाना मोइन मियां ने जो है हाजरीन महफिल से जो है दरख्वास्त की कि भाई जो लोग 18 के हक में हैं वो हाथ उठाएं, तो 90% लोगों ने 95% लोगों ने जो है हाथ उठाकर जो है अपनी हिमायत का ऐलान किया, और 19 के हक में जो लोग हैं वो भी हाथ उठाएं, तो कुल पूरे हॉल में मुश्किल से 4 या 5 लोगों ने जो है 19 के हक में हाथ, तो जो अक्सरियत थी उस अक्सरियत की राय को जो है कबूल करते हुए 18 तारीख के हक में जो है जुलूस निकालने का ऐलान किया गया। और ये कहना कि इसमें जो है किसी से मशवरा नहीं लिया गया वगैरह, ये तमाम बातें जो हैं बेतुकी और बेबुनियाद हैं। जितने बड़े जुलूस यहाँ से बरामद होते हैं बम्बई से, उन तमाम के ज़िम्मेदारान से जो है पहले राय दी गई और उनसे जब मालूम किया गया तो उन्होंने जब 18 के हक़ में बात की तो हम लोगों ने जो है 18 के हक़ में जो है फैसला किया। तो ये बात तो बिल्कुल तय है कि ये इस मामले में अंधेरी से निकलने वाले जुलूस, कुरला से निकलने वाले जुलूस, मरोल में निकलने वाले जुलूस, इन तमाम वडाला से निकलने वाले जुलूस, इन तमाम लोगों की मर्ज़ी को जो है मद्देनज़र रखते हुए जो है ये फैसला किया गया। और ये कहना बिल्कुल गलत है कि इसमें जो है बग़ैर मशवरे के जो है फैसला किया गया।